हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आइडिया ऑफ जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ जीटीआई को हम समझने की कोशिश करेंगे। जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जीटीआई इम्प्योरिटी क्या होती है, आईसीएच के किस गाइडलाइंस में इसके बारे में इसका डेफिनेशन दिया गया और किस दूसरे गाइडलाइंस में इसका क्लासिफिकेशन दिया गया। साथ साथ एक डाउट हमारे मन में भी हो सकता है कि अगर आईसीएच की क्वालिटी की गाइडलाइंस Q3 में इम्प्योरिटीज के बारे में दिया हुआ है, तो क्यों वहां पर जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी के बारे में Q3 में न देकर आगे से दूसरी गाइडलाइंस बनाई गई, दूसरी क्राइटेरिया बनाई गई। तो इन सारी चीजों को हम समझने की, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसकी कितनी लिमिट होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, इन सारे और उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब चीजों को समझने के बाद फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा कि जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी क्या होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा इन सारी चीजों को समझने के लिए। सबसे पहले इम्प्योरिटी क्या होती है। ऐसे कोई भी इम्प्योरिटी का अगर डेफिनेशन देखा जाए, तो अगर हम शॉर्ट में बताएं तो सब यही अनडिजायरेबल केमिकल या एंटिटी, कोई भी अनडिजायरेबल केमिकल्स या एंटिटी होती है एपीआई में। एपीआई के अलावा बाकी दूसरे कोई भी अनडिजायरेबल केमिकल्स होते हैं, एंटिटी क्वांटिटी कुछ भी होती है, उसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब देखो क्यों इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अनडिजायरेबल क्वांटिटी होती है, इनकी स्मॉलेस्ट अमाउंट भी, बहुत थोड़ी सी अमाउंट भी क्या करती है, ड्रग के इफिकेसी यानी कि ड्रग के इफिशियंसी को, क्षमता को कम कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। साथ साथ ये हेल्थ के सेफ्टी के लिए, मतलब जो पेशेंट है, क्लाइंट है, क्लाइंट उसको बोलते हैं हम, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो क्लाइंट के सेफ्टी के लिए अगर उससे चैलेंजेस होते हैं, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इस अनडिजायरेबल केमिकल्स को हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी क्या होती है, ऐसे अनवांटेड अनडिजायरेबल केमिकल्स जिसकी वजह से ड्रग की इफिकेसी के साथ साथ क्लाइंट के सेफ्टी को कोई इफेक्ट होता है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से लेकर ये साइड इम्प्योरिटी कुछ भी हो सकती है, बाय प्रोडक्ट सॉल्वेंट कोई भी चीज हो सकती है, इसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब इम्प्योरिटी में क्वालिटी की गाइडेंस Q3 में ए बी और सी, एक इसकी क्लासिफिकेशन है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, आपको मजा आएगा समझने में। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आज हम समझेंगे इसके बारे में कि क्या जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी होती है। तो जेनोटॉक्सिक क्या मतलब, जीन प्लस टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी। तो ऐसे कोई भी इम्प्योरिटी, ऐसे कोई भी केमिकल जो जीन को टॉक्सिक के लिए टॉक्सिक बिहेवियर शो करे, यानी कि जीन में चेंजेस कर सके, जीन में कोई भी म्यूटेशन या चेंजेस कर सके, उसे हम जेनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो अब इसकी आईसीएच की गाइडलाइंस S2 जो रिवाइज हो चुकी है, अब ध्यान देना ये गाइडलाइन इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। S2R1 ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी केमिकल एंटिटी जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी अनचाहा अनडिजायरेबल अगर चेंजेस होते हैं, चेंजेस मतलब रिएक्शन होते हैं, तो इस प्रोसेस को, मतलब जेनेटिक मटेरियल्स में अनडिजायरेबल चेंजेस होने की प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। और ये जिसकी वजह से होती है उसको हम जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीनोटॉक्सिसिटी क्या होती है और ये आईसीएच के किस गाइडलाइंस में दिया गया है, जीनोटॉक्सिक इम्प्योरिटी की का भी आइडिया आपको हो गया होगा। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं।
तो आईसीएच की गाइडेंस में इसके पांच क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। क्लास वन क्लासिफिकेशन क्या होते हैं कि ऐसे एम्प्यूटी जिसका नोन हो क्या म्यूटा जेनेसिटी और साथ साथ कैल्सियो जेनेसिटी सी एम और सी हम लिखेंगे, कैल्सियो जेनेसिटी भी जिसका नोन हो रिपोर्टेड हो, ऐसे इम्प्यूरिटी को हम क्या कहते हैं क्लास वन इम्प्यूरिटी बोलते हैं, यानी कि उसका म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी नोन होता है। क्लास टू में क्या होता है कि उनका म्यूटाजेनोसिटी तो नोन होता है लेकिन कार्सिनोजेनिसिटी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं होती है, उसके बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं होती, यानी कि पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक हो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन रिसर्च हमारे साइंटिस्ट के पास नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास थ्री के बारे में। तो क्लास थ्री जो होते हैं ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए के साथ बाइंडिंग केमिकल रिएक्शन कर सकता है, केमिकल के साथ एक केमिकल रिएक्शन कर सकता है लेकिन म्यूटाजेनिक है ऐसा कोई प्रूफ नहीं होते हैं हम स्ट्रक्चर के बेस पर। और ये जो होते हैं क्लास थ्री के इनका ड्रग मैटर यानी कि एपीआई के साइड प्रोडक्ट हो सकते हैं लेकिन एपीआई के स्ट्रक्चर से इनका कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, साइड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकते हैं क्लास थ्री में, लेकिन ये एपीआई के स्ट्रक्चर मेन एपीआई के N-1 या फाइनल एपीआई का कोई आइसोमर से ऐसा कोई इम्प्यूरिटी ये नहीं होते हैं। अब कैसे हमें मालूम होते हैं कि म्यूटाजेनिक होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर इनका बैक्टीरियल म्यूटाजेनेसिटी टेस्ट कराया जाता है, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको म्यूटाजेनिक माना जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल म्यूटाजेनिक टेस्ट कराया जाता है, आप आसानी से इसको डिफिनेशन एक लाइन में आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। अब हम क्लास फोर के बारे में समझते हैं। क्लास फोर क्या होता है कि उनका भी अलर्टिंग स्ट्रक्चर होता है लेकिन उनका ड्रग जो एपीआई होता है एपीआई के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्लास फोर में होते हैं लेकिन इनका भी ध्यान देना, क्लास फोर एपीआई भी जो होता है क्लास फोर का जीटीआई जो होता है उसका भी कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं होते हैं। क्लास फाइव का मतलब इनका कोई भी अलर्जिन स्ट्रक्चर भी नहीं होता है और इनका कोई कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक कोई भी रिपोर्टेड नहीं होते हैं। तो एक पांच क्लास होते हैं। क्लास वन का जो आपको बता दें इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नाइट्रोसामीन आते हैं, नाइट्रोसामीन इम्प्योरिटी इसी के अंतर्गत आते हैं क्लास वन में, यानी कि उनका म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी दोनों रिपोर्टेड हो चुके हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इंटरव्यू के पर्पज से भी आपको समझ में आ गया और इंफॉर्मेशन के पर्पज से भी आपको समझ में आ चुका है। अब मैं बार बार एक चीज आपसे कह रहा था कि अलर्टिंग स्ट्रक्चर, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अलर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो भी कौन कौन से केमिकल फंक्शन ग्रुप होते हैं जिन जिनके आधार पर हमें आइडिया लगता है कि ये स्ट्रक्चर हमें अलर्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है, डीएनए देखा जाए तो प्रोटीन का पॉलीमर होता है, इसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मेनली प्रोटीन का पॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन CONH2 CONH टाइप का एक प्रकार से अगर आप देखें तो इस प्रकार से हमारा अमाइड का पॉलीमर होता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके साथ जो भी केमिकल रिएक्शन करने वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे केमिकल फंक्शनल ग्रुप वे चाहे इस पर आप देखो यहाँ पर आप अटैक करा सकते हो किससे, अल्कालेटिंग ग्रुप से इस पर अटैक करा सकते हो, नाइट्रेशन ग्रुप से नाइट्रोसामीन से अटैक हो सकता है, सल्फोनेट से अटैक हो सकता है। तो एक आइडिया आपको यहाँ से हो जाना चाहिए कि ऐसे सभी फंक्शन ग्रुप जो अमाइड और अमीन से रिएक्शन करते हैं वे सारे जनरली डीएनए अफेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसको पता कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो कौन से होते हैं, आपको दो सॉफ्टवेयर लेजर और
आसानी से फ्री में अवेलेबल है, इसके साइट्स भी मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा सबसे अच्छा माना जाता है डायरेक्ट इस एक कॉमर्सली अवेलेबल है, हजार एक्सपर्ट भी कॉमर्सली अवेलेबल है। आप इनका यूज करके, मैं स्पेशली कहूंगा कि सबसे पहले प्रैक्टिस आप इससे सीख लीजिए, लेजर और कैजर का यूज करके आप आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से राइटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये रहा सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। 2004 में PHRMA यानी द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसने इसने क्या किया, एक टास्क फोर्स का गठन किया, एक टास्क फोर्स बनाया। और उसका ये था कि वो कौन कौन से अलर्टिंग स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में एक आइडिया प्रपोज किया जाए। तो इस टास्क फोर्स ने कुछ फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई किए और उनको तीन ग्रुप में रखा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इसमें देखा गया कि एरोमेटिक कंटेनिंग ग्रुप, अल्काइल अराइल्स ग्रुप और इसके अलावा हेट्रो एरोमेटिक ग्रुप, ये जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो जेनोटॉक्सिक इम्प्यूरिटीज शो कर सकते हैं। तो आगे हम अभी ICH का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ICH की गाइडलाइंस M7, ICH की गाइडलाइंस M7 ये बताते हैं कि कैसे प्रिवेंशन किया जाए, यानी कि ये बताती है प्रिवेंशन ऑफ जेनोटॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इम्प्यूटिव फॉर्मेशन, कैसे जेनोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक इम्प्यूटिव फॉर्मेशन को रोका जाए। दूसरा ये बताती है कि कैसे अगर जेनोटॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक इम्प्यूटिव बन गए हैं तो कैसे उनके इफेक्ट को कम से कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तीसरा ये बताती है कि कोई एडिशनल एडिशनल कैरेक्टराइजेशन अगर कोई हो इनके लिए तो उसको भी किया जाए, कैरेक्टराइजेशन उनको किया जाए। और अगर कैरेक्टराइजेशन भी किया गया तो उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी रूट होनी चाहिए जिससे हम आसानी से इसको समझ सकें। अब जेनोटॉक्सिक इम्प्यूरिटी के सोर्स क्या हो सकते हैं, तो जेनोटॉक्सिक इम्प्यूरिटी के सोर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स यानी रॉ मटेरियल्स और उनके इम्प्यूरिटी हो सकते हैं, उसमें जो इम्प्यूरिटी हो। दूसरा हो सकता है इंटरमीडिएट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होते हैं, इसमें सॉल्वेंट्स आते हैं, रिएजेंट आते हैं, बाई प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के साथ साथ अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं वे सारे इंटरमीडिएट में आते हैं। तो इनके सोर्स देखा जाए तीन सोर्स होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल में रॉ मटेरियल उसके इंप्यूरिटी, इंटरमीडिएट यानी सॉल्वेंट, रिएजेंट बाय प्रोडक्ट, कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और एक होता है ड्रग सब्सटेंसेस यानी फाइनल एपीआई। फाइनल एपीआई में क्या हो सकते हैं, उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट यानी कि स्टोरेज प्रॉपर ना होने की वजह से अगर वो एपीआई डिग्रेड हो चुकी है तो ड्रग सब्सटेंसेस कंटेनिंग इम्प्यूरिटी होगी। तो जिन टॉक्सिक इम्प्यूरिटी के इस प्रकार से तीन सोर्सेस होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इनको अलर्टिंग स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से केमिकल क्लासेस होते हैं कॉमन कॉमन जीटीआई के केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो पहले अगर इसको देखें तो अल्काइलेटिंग ग्रुप जो होते हैं यानी कि अल्काइल हैलाइड, डाई अल्काइल हैलाइड, इपॉक्साइड शायद आप जानते भी होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, हाइड्राजीन, टेम्पो, एरोमेटिक अमीन,
इसको आप याद रख लीजिएगा सारी चीजों को, बोरोनिक एसिड, सल्फोनेट एस्टर्स और नाइट्रोसामीन। एक केमिकल स्ट्रक्चर अगर कहीं यूज हो रहा है, एपॉक्साइड हो रहा है, हाइड्राजिन हाइड्राजिन यूज हो रहा है, टेम्पो एरोमेटिक अमीन, बोरोनिक एसिड, सल्फोनेट एस्टर और नाइट्रोसामीन, ये स्ट्रक्चर कहीं भी है, किसी भी कंपाउंड में है, तो वहां पॉसिबिलिटी है जीटीआई हो सकता है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा होगा ही, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अलर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो फिर से इनको एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, क्या क्या, अल्काइल हैलाइड्स, डाई अल्काइल हैलाइड्स, एपॉक्साइड, हाइड्राजेन, टेम्पो, एरोमेटिक अमीन्स, बोरोनिक एसिड, सल्फोनेट एस्टर, नाइट्रोसामीन, ए स्ट्रक्चर हो सकते हैं।